अच्छा वैसे ऊँट बेचते भी हो आप लोग? क्या रेट होता है ऊँट का? बिकता नहीं यार। बिकता नहीं यार, कितने को होता है वैसे ऊँट? अरे होता कितने पैसे का है? ये होता है 10-15 हज़ार का। 10-15 हज़ार का है, मतलब बागबस्टर्स में जितने के आते हैं उतने का ऊँट आ जाएगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट इज़ डे टू। वी स्टेड ओवर एट नागौर यस्टरडे एंड इट वॉज अ सुपर हेक्टिक राइड एज यू गाइज सॉ। स्टक इन फॉग फॉर ऑलमोस्ट 4 hours, 4 AM to 10 AM ऑलमोस्ट गॉट वेस्टेड एंड आफ्टर दैट वी जस्ट मैनेज टू कवर अराउंड 515 किलोमीटर्स फॉर द डे, विच इज़ वेरी लेस इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रिप्स डैट वी डू एंड द टाइप्स ऑफ माइलेज डैट वी क्लॉक। सो दिस इज द होटल डैट वी स्टेड इन। इट इज़ अ लॉट ऑफ अ डिसेंट होटल, nothing great about it, but the room was pretty spacious for 3 people. We got a big room which had 2 double beds, and that is, I would say, luxurious for this part of the country. 1500 rupees for the night for 3 people, 500 per head, that is a steal. And the food that we had from a dhaba nearby, that was also amazing, 300 rupees for the complete dinner. So maza aa gaya khana khake, bahut zyada acha khana tha, बिल्कुल लोकल यहाँ का जो खाना होता है कज़ीन है वैसी थी, और अच्छा बनाया था भाई साहब ने, जिन्होंने भी बनाया था। वो रही बाइक्स यहाँ पे तीनों, अंकल जी गर्मी लग रही है आपको? ना। नहीं लग रही गर्मी? गिरी है एक बार यहाँ पे, कल क्रैश गार्ड ने थोड़ा सा बचा लिया, आई थिंक मेन फेयरिंग तो सारी बची गई। ये जो गोल्ड रनवे की लाइट्स लगाई हैं, ये सामने बिल्कुल ट्रैफिक की ऐसी की तैसी कर देती हैं रात को। चलो भाई चलो, चील चिल्ला रही है चील। 9:40 और यहीं से होटल से बाहर निकल के अपने को 350 किलोमीटर करने हैं आज। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 5 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप्स। ये गलियों से निकल रहे हैं हम छोटी छोटी। कल की राइड तो आप लोगों ने देख ही ली थी, कुछ ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं थी, एक अलग ही टाइप की स्ट्रगल थी। और एडवेंचर टूरिंग की बात करी तो एडवेंचर बिना बात का ही हो गया था ड्यू टू द फॉग। तो आज होपफुली बिल्कुल क्लियर स्काइज हैं, तो आज 350 किलोमीटर हम बढ़िया तरीके से चलेंगे, कोई इशू होने नहीं वाला होपफुली। चेन ल्यूब्ड है बाइक, एकदम मक्खन चल रही है, मक्खन। चेन ल्यूब करने के बाद जो फीलिंग आती है ना बाइक चलाने की, वो बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग है जब बिल्कुल बैट के स्वीट स्पॉट से शॉट लगता है ना क्रिकेट में, वो वाली फीलिंग समझ जाओ बस। तो भाई ग्रुप राइडिंग का जो मेन जो थोड़ा गुरु ज्ञान कहीं से मिला था, तो उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंटर एक सुना था कि ब्रेक्स को सिंक्रोनाइज करना है अभी। तो एक बंदे का अगर पेट्रोल कम है तो हम तीनों पेट्रोल भरवा रहे हैं, जिससे सब लोगों के ब्रेक सिंक्रोनाइज रहें, सबका एक साथ ही पेट्रोल ख़त्म हो, सब लोग अलग अलग टाइम पे रुक के टाइम ना वेस्ट करें। ये जो सुबह वाली फीलिंग है ना नेक्स्ट डे वाली, ये है ऑसम। एकदम फ्रेश लग रहा है इस समय, नाश्ता तक नहीं किया है, पर जो एनर्जी मिल रही है इस समय इस रोड पे बाइक चलाने में, ओहो। 117 पे चल रही है और रोड की विड्थ कुछ खास नहीं है जैसा आप देख रहे हो, काफी नॉर्मल विड्थ है रोड की, बट जो कॉन्फिडेंस आ रहा है इस रोड पे चलाने में, वाओ, जस्ट वाओ। यहाँ का सनसेट जो देखने में मजा आएगा कुछ नहीं है, एज फार एज वी कैन सी कुछ भी नहीं है आगे। चलो डुकाटी निंजा 1000 टाइगर 800। न्यू मेक्सिको में चला रहे हैं ना ऐसा लग रहा है, कैसो रोड्स ऑफ राजस्थान। ये देखो यार, मतलब ये वाली फ्रीडम इतनी
छोटी रोड पे, आई मीन यू कैन ट्राई टू फील समथिंग लाइक दिस ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे व्हिच आर लाइक 5-lane, 6-lane रोड्स, बट दिस वन जस्ट 1 lane फॉर ईच साइड एंड स्टिल द टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू आर गेटिंग, वाओ, 120 एंड सेट दिस थिंग ऑन क्रूज, वाओ. जो मुझे इस समय फील हो रहा है इन रोड्स पे चलाते समय, एग्जैक्टली वैसा तो फील नहीं करा सकता मैं आप लोगों को, बट होपफुली यू गेट एन आइडिया राइट कि इन रोड्स पे चलाने की जो फ्रीडम है वो कैसी है. एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू गाइस हु आर वाचिंग दिस वीडियो टू मे बी ट्राई एंड राइड इन राजस्थान. इट इज जस्ट अ यूनिक एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. अभी तो जैसलमेर पहुंचे नहीं है, अभी स्टिल 300 किलोमीटर है यहाँ से, बट वाओ आगे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है. आगे ऐसी रोड्स आने वाली हैं और दोनों तरफ विंडमिल्स आने वाले हैं. सो अगर आपको ये यहाँ की रोड्स और ये जो राइड चल रही है ये पसंद आ रही है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे, आलस मत करना, 1 सेकंड लगता है बटन दबाने में, वो बटन दबा देना और ज्वाइन द फैमिली. अब खाने की जगह ढूंढ रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बट जगह ऐसी ढूंढनी है कि कम से कम उसमें राजस्थान की फील आए, बिल्कुल बाजार के बीच में नहीं रुकना. बाइक्स का इंक्रीजिंग साइज देखो, वहाँ सबसे छोटी लग रही है बड़ी और उससे बड़ी. होटल गणपति पैलेस एंड रेस्टोरेंट पे हो गया ब्रंच. अब चलते हैं आगे, अभी 70 किलोमीटर से करें, अभी तो बस जस्ट स्टार्ट किया था, वार्म अप किया था थोड़ा, अब चलते हैं तेज. तो ये आओ 1 किलोमीटर शक्ति कपूर वाला आओ. यहाँ से जैसलमेर इज 165, पोखरण इज 60. हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे, रॉन्ग साइड थोड़ा सा रास्ता ऐसा है, उसके बाद फ्लाईओवर एंड देन अप अप अप, 3-4 फ्लाईओवर्स, सुपर स्मूथ रोड्स. अगेन रॉन्ग साइड से अब आएंगे हम राइट साइड पे, और राइट साइड पे अब आगे करेंगे ये. ये हम आ गए डेजर्ट एरिया में ऑलमोस्ट. आई थिंक जैसलमेर यहाँ से अबाउट 100 किलोमीटर होगा, और व्यू देखो सामने का, क्या मक्खन रोड्स बनाई है यार. लेट्स गो मैन, लेट्स टेक दिस बीस्ट ऑफ रोड. Some panniers, okay, all right, that should work, not an issue. Get it up that mountain and see what's beyond that. Oh, bilkul barren landscape hai puri. Yo. ये इसके फोटो खिंचाने के लिए रखी. अच्छा, वैसे ऊंट बेचते भी हो आप लोग? क्या रेट होता है ऊंट का? बिकता नहीं यार. बिकता नहीं है? कितने को होता है वैसे ऊंट? अरे होता कितने पैसे का है? ये होता 10-15 हज़ार का, छोटे होते हैं 10-15 हज़ार का है, मतलब बागबस्टर्स में जितने के आते हैं उतने का ऊँट आ जाएगा. चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं मस्ती.
सो फाइनली आ गए हैं जैसलमेर। दो दिन लग गए आने में, 855 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होम। सामने दूर मुझे दिख रहा है वहाँ पे जैसलमेर फोर्ट। मस्त वाला सनसेट है यार यहाँ का, तो हल्का सा भी है टाइम नीचे आने में। मुझे लगता है अबाउट 15-20 मिनट्स हैं जब पूरा नीचे आ जाएगा सन, और तब तक वील बी आउट ऑफ द मेन सिटी, आउट ऑफ द सिटी एरिया। सो वहाँ पे तो आई थिंक पूरा व्यू, पैनोरामिक व्यू दिखना चाहिए बढ़िया वाला। वो देखो वहाँ पे सारे आपको कैंप्स दिख रहे हैं, इन्हीं ऐसे ही किसी कैंप में हम लोगों ने रुकना है। और इसी से ही थोड़ा सा आगे जाके वो प्रॉपर सैंड ड्यून्स वाला एरिया आता है, थोड़ा सा यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, जिसे बोलते हैं सम सैंड ड्यून्स। सो देखते हैं हमारा कैंप कैसा निकलता है। सपोजिटली इट इज़ अ वेरी गुड कैंप, 5.1 किलोमीटर्स 6 मिनट्स। आई थिंक यही है हमारा कैंप, चलो देखें। और कैंप की लोकेशन देखो यार, कहीं भी नहीं है, आसपास तो कुछ है ही नहीं। ये तो कैंप के आसपास ऑफ रोड मोड पे ही रखनी पड़ेगी। यही वाला है, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद रेस्ट के बाद। फाइनली कितने किलोमीटर्स हुए हैं, 902 किलोमीटर्स। आओ आओ डुकाटी वाले आओ। सो आ गए फाइनली जैसलमेर। दिस इज द सम सैंड ड्यून्स एरिया अबाउट 40-45 किलोमीटर्स फ्रॉम जैसलमेर। तो यहाँ पे वी बुक द प्लेस एंड इट्स क्वाइट गुड। अभी आपको एक बार ठीक से एंट्रेंस से दिखाता हूँ कहाँ बाइक्स पार्क्ड है। बाइक जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल हमारी हट के बाहर पार्क्ड है। तो इससे ज़्यादा कंफर्टिंग कोई सीन होता नहीं है। अगर आप राइड करते हो यू विल अंडरस्टैंड 900 किलोमीटर्स के बाद, जो वन डे में प्लान किया था 2 डेज़ में हुआ। बट एनीवेज आई मीन कल कुछ कर नहीं सकते थे फॉग के कारण, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, रेस्ट लेके आए दोनों दिन में स्प्लिट करके। बट अब आराम से 6 बजे पहुँच चुके हैं। दिस इज़ आर हट और कैंप, वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। काफ़ी बढ़िया है ये देखने में। आई थिंक ये मेरा अभी तक का बेस्ट कैंप है जो जैसलमेर में रुका हूँ मैं, सम सैंड ड्यून्स वाले एरिया में अभी तक। ये बाहर एक एरिया है जहाँ पे हमने अपना राइडिंग गियर वगैरह फेंका है, रात का समय है, दिन में एक बार फिर से दिखाऊंगा। और ये देखो एंट्रेंस, ये है रूम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा रूम है, बट फ्रॉम अ कैंप स्टैंड पॉइंट काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे तो रूम। इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, इन द मिडल ऑफ नो वेयर एक्चुअली। ओवरऑल द एम्बियंस ऑफ द रूम इज़ प्रीटी गुड। ये लैंटर्न्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये थोड़ी रोक जगह